नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सबसे अच्छी न्यूज जिसमें कोई बकवास नहीं की जाती, जिसका नाम है चूतिया न्यूज। क्या नाम है? चूतिया। आज मैं आपको बताने वाला हूँ YouTube की एक बहुत ही खतरनाक न्यूज, YouTube की नहीं Facebook, Instagram, Twitter की न्यूज, जो कि कल परसों में बैन होने वाले हैं। लेकिन सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल ये खड़ा होता है कि अब फेक इन्फ्लुएंसरों का क्या होगा, वो भी मैं बताता हूँ। जी हाँ, इंस्टाग्राम और फेसबुक को बर्बाद करने के बाद ये लोग आएंगे अब यूट्यूब की दुनिया में, जहाँ पे यूट्यूब इनकी दबा के लेना अच्छे से जानता है और उन लोगों को भी पेलना जानता है जिनके बात बात पे कपड़े उतर जाया करते थे। अब आगे बढ़ने के लिए हम चलते हैं मकौड़ा सिंह के पास, जानते हैं उनके पास किस तरह की रिपोर्ट है। रिपोर्ट क्या, मेरी तो मट्टी पलीद हो रखी है। हबड़ दबड़ और हाहाकार इस तरीके से मची पड़ी है कि पता नहीं चल रहा इंसान इधर का भी है कि नहीं। खैर, ये भी पक्का पता नहीं है कि बैन होगा भी कि नहीं। इन सब बातों को छोड़िए, आज हम बात करने वाले हैं यूट्यूब के उस खाने के बारे में जिसको आजकल खुद YouTube प्रमोट कर रहा है और हमारी वीडियोस को डिमोट कर रहा है। तो देरी किस बात की, आज हम YouTube के झाटू एल्गोरिथम प्लस न्यू फीचर शॉर्ट्स की कुछ अनसुनी बातों से पर्दा निकालेंगे और उसके बाद शॉर्ट्स या कहूँ Instagram की छमिया 2.0 की गंदी गेंद फाड़ेंगे। तो शुरू करने से पहले जगाते अंदर परशुराम और करते हैं सादर प्रणाम। तो कैसे हो दोस्तों, क्या हाल चाल है तुम्हारे? अब जैसा कि तुम सब जानते हो कि YouTube आजकल नॉर्मल वीडियोस से ज्यादा शॉर्ट्स की वीडियोस प्रमोट कर रहा है, वो किस लिए? रीजन जाहिर है, TikTok बैन हुआ तो Instagram बन गया, अब Instagram बैन होने की खबरें आ रही हैं तो YouTube रंडी गाना बनेगा। ऐसा कभी था नहीं एक्सपेक्टेड YouTube से, क्योंकि YouTube एक समय पे बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल प्लेटफॉर्म हुआ करता था। लेकिन अगर YouTube भी बर्बाद होने की कगार पे है तो हम लोग भी बर्बादी के रास्ते पे ही चल रहे हैं। रणविजय की तरफ काफी उजड़े चमन वाले दुख के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है सूजन चाची, ये रंडी खाना, ये रंडी खाना मुझे अब नहीं चाहिए। खैर, ये सब तो हो गई मजाक की बातें, अब थोड़ी सीरियस बात कर लेते हैं। जिस तरह से YouTube ऐसे थर्ड क्लास लोगों की शॉर्ट्स वीडियो YouTube के ट्रेंडिंग पे तीसरे नंबर पे पहुंचा रहा है, उस हिसाब से ज्यादा समय नहीं लगने वाला इस प्लेटफॉर्म को भी बर्बाद होने में। यकीन नहीं आता तो खुद ही देख लो ऐसा क्या है इस वीडियो में जो की ट्रेंडिंग पे आई है। बवासीर, इससे ज्यादा कॉमेडी तो हमारे नोनू भाई कर ले। ये फंस गया। कुछ भी बकचोदी पेल दो, पीछे से ये क्रिंज हंसने वाला म्यूजिक चला दो, बन गई फनी कॉमेडी वीडियो। और व्यूज के मामले में तो इन्होंने ओमेगल वालों को भी पीछे छोड़ दिया। अब तुम ही बताओ इसमें क्या था ऐसा हंसने का है? ये लड़की टोकरी में सब्जियां भर रही थी, पीछे से ये चोमू आया और सब्जियां उठा के दूसरी टोकरी में डाल दी और इसको तो पता ही नहीं चला। ओह माय गॉड, आई एम शॉक्ड बेबी। स्क्रिप्टेड होने के बाद भी कितना रियल प्रैंक लगता है ना। इतना अनफनी होने के बावजूद भी इस कबाड़ में 147,000 चूतिया अपना मुंह दे चुके हैं। कौन है भाई ये लोग, कौन से तारा मंडल में रहते हैं? अब अगली शॉर्ट्स में आते हैं ये लोग, जो एक नया फूक मारने वाला चैलेंज लेके आए हैं, जिसमें इन्हें कुछ नहीं करना, सिर्फ कागज के पत्तों को एक के ऊपर एक ग्लास के ऊपर रख के चांस बाय चांस फूक मारनी है और आ गए 10 मिलियन व्यूज। बंटी तो चूतिया है। बंटी के साथ साथ मैं भी चूतिया हूँ, जो कि पूरे के पूरे 2 दिन वेस्ट कर देता है खाली एक वीडियो का पर्चा बनाने में। क्या मतलब भाई इतनी मेहनत का, जब 50 गुना व्यूज ये लोग उठा के ले जाते हैं। मुझे भी कल से ये ब्लोइंग चैलेंज चालू कर देना चाहिए। उसके बाद ये भी फुग्गे फुलाएगा। फुग्गे तो मैं भी फुलाना चाहता हूँ भाई। फुग्गे खा नहीं सकते तो फुलाने का मतलब क्या? शॉर्ट्स की बात आई गई है तो प्यार मोहब्बत की बात ही क्यों ना की जाए। इसी से रिलेटेड अगली वीडियो का कचरा है प्रपोजल गोन रॉन्ग अंगूठी। इसमें भी ये बकाटू कुछ खा रहा होता है और उस खाने के बाद उस लड़की को खाने को देता है, उसमें से अंगूठी निकलती है और फिर वही क्रिंजी वाली हंसी। ऐसी चीजों पे कोई कैसे हंस लेता है भाई? टू मच फनी। कोई भी ऐसी थर्ड क्लास फालतू सी हंसी लगा के फनी नहीं बन जाता भाई। ऐसे तो मैं भी हंस देता हूँ 4 बार, कौन हंसेगा मेरी हंसी पे? क्या बात है। जैसे पहले टिकटॉक के रोस्ट हर रोस्टर किया करता था, वैसे ही वो समय दूर नहीं है जब यूट्यूब शॉर्ट्स का रोस्ट यूट्यूब पे ही हुआ करेगा। अच्छा, होना भी शुरू हो गया। अरे नोनू भाई, व्हाट द फक ब्रो। अब ऐसे भी कुछ ज्ञान चौधू फिलोसोफर भी हैं जो ये सोचते हैं कि जिस बंदे ने सबसे पहले उस टॉपिक पे वीडियो बना दी, उसके बाद जितनों ने भी बनाई सबकी कॉपी हो जाएगी। अबे पैदा दिमाग के साथ हुए थे या वो भी ऊपर ही छोड़ा है? जिस तरह से हर समय डेंग डेंग बोलने वाला डेंग का 14 नहीं होता, उसी तरह सेम टॉपिक पे अलग अलग बंदा वीडियो बनाने वाला उसका कॉपी नहीं होता। ये बात मुझे समझानी क्यों पड़ रही है भाई? एनीवेज, जब से YouTube पे YouTube शॉर्ट्स आया है तब से हमारे एक्स टिकटॉकर्स, जिनको Instagram पे कोई झाट नहीं पूछता था, अब वो वही काम शॉर्ट्स पे भी करना चालू कर दिए हैं। स्वागत करते हैं उसी सोन परी का जिसने सभी निब्बियों के दिल पे राज किया हुआ है। अरे फिजू भाई आओ। देखो
फीजू भाई का कोई तोड़ नहीं है, ये एक तरह के एक ऐसे एटीट्यूड बॉय हैं जिनके एटीट्यूड से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी ये एटीट्यूड दिखाते हैं पता नहीं किस चीज का। और भी ऐसे एटीट्यूड बॉयज हैं जो कि 180 डिग्री के एंगल में कैमरे को उल्टा करके छपरी सुपर स्प्लेंडर के साइलेंसर में से धुआं निकालते हुए आते हैं। अब ये किस तरीके का मॉडिफिकेशन है? बाइक भी बेचारी ये सोच रही होगी कि हरामी ने खरीद लिया। इतना क्रिंज मित्रों हमसे एक वीडियो में सहन नहीं होता है। समझ नहीं आ रहा भानु प्रताप को भी क्या करे, डिमोटिवेट हो गए यार भाई बहुत ज्यादा। जो अपने बुरे वक्त में कहते हैं ना एक काम था ब्रो, हमारे बुरे वक्त में सबसे पहले वही कहते हैं नो। मैं खुद मेरा भाई इंसान दो के। अबे मोटिवेट करने के लिए कहा था, सुसरे ने और डिमोटिवेट कर दिया। ओए आजा मेरे पास मैं मोटिवेट कर दूं। भैया वो वाला मोटिवेट नहीं होना चाहता। यही है भाई वही एटीट्यूड बॉयज जो कि चार बार निब्बियों से ब्रेकअप खा के ये व्हाट्सएप स्टेटस बनाते हैं, आदमी धोखेबाज है भैंस। व्लॉग कराया है मनाने को, शायद हाजमा चुका है जमाने को। इतना दुख सहन नहीं होता भाई, गांड में दर्द हो गया। अबे एक तो वैसे ही लोग मर रहे हैं यहाँ पे, ये दिल जले आशिक भेड़ चो दौर आ गए। अबे तुम्हारे पास पावर है तो कुछ अच्छी चीज बनाओ, लोगों को मजे दिलाओ यार, हंसाओ। ऐसे समय पे तो लोगों को हंसना बहुत जरूरी है। कुछ अच्छा काम करो, अच्छे वीडियो बनाओ। नहीं बना सकते तो शांति से चुप बैठो भाई, लोगों को और डिमोरलाइज मत करो। एक तो वैसे ही लोग घर में बैठे बैठे डाउन हो चुके हैं। तो यार आखिर में बस यही कहना चाहता हूँ कि दिमाग ज्यादा मत खपाओ वरना खराब होगी खोपड़ी, और जो भी तुमको परेशान करे उनकी माँ की भोसड़ी। तो बस आज के लिए इतना ही, आशा करते हैं आप सारे के सारे यहाँ तक आए हैं तो आपको जरूर कुछ ना कुछ पसंद आया होगा। तो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें और बाजू वाले घंटे के पर दबाएं। नहीं मन कर रहा हो तो मत करिए कोई बात नहीं, लेकिन अगर सब्सक्राइब कर रहे हो तो बकायदा वीडियो आने वाली देखनी पड़ेगी, मेहनत करते हैं भाई। और बाकी इंस्टाग्राम को बैन होने से पहले जितने लोग मेरे साथ इंटरेक्ट करना चाहते हैं वो मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। तो बस ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका अपना एब्सोल्यूट दुश्मन होगी।